الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। आज हमारे अरबी लैंग्वेज कोर्स की पहली क्लास है। यकीनन आप लोगों ने अरबी लैंग्वेज कोर्स के हवाले से पोस्ट देखी होगी। उसके अंदर हमने चंद एक चीज़ें तहरीर की थी कि इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम किन किन उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। तो आज हमने इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखा है कि जो चीज़ें हम आने वाले दिनों के अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह, उनमें से जो पहला आज का दिन है उसमें आज हम अरबी लैंग्वेज के हवाले से सीखेंगे कि हम अरबी ज़बान के अंदर कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल होता है हमारे व्यूवर्स का, हमारे तलबा का, हमारे अरबी लैंग्वेज सीखने वाले इस्लामी भाइयों का, वो ये होता है कि हम या तो हर किसी की अपनी कैटेगरी होती है, मैं यूँ समझ लें कि फ़र्ज़ी सवालात करूँगा और उसी के फ़र्ज़ी जवाब दूँगा और सामने वाले देखने वाले इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे इंशाल्लाह। पहला तो चलो मैं एक इनफरादी तौर पर अपनी तरफ से अगर सवाल करूँ, लिमादा नतअल्लमुल लुगतल अरबिया, हम अरबी ज़बान क्यों सीखें, हमें अरबी ज़बान की अहमियत और इफादियत का यकीनन पता होगा लेकिन बाज़ औक़ात हमें कोई उसका स्कोप नहीं मिल रहा होता, उसकी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में नज़र नहीं आ रही होती कि हम फ्यूचर में इससे कैसे इस्तिफादा कर सकते हैं, हम इससे क्या फ़वाद हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम पहला सवाल अगर हम अपने सामने रखें, लिमादा नतअल्लमुल लुगतल अरबिया, लुगतल अरबिया, हम अरबी ज़बान क्यों सीखें, तो इसके बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। नहनु नतअल्लमुल लुगतल अरबिया लिअदीद मिनल मकासिद, मिनहा अव्वलन नतअल्लमुल लुगतल अरबिया लिअन्नहा लुगतल कुरान व हिया रिसालतन रिसालत में रब्बिन अज़्ज़ व जल उर्सिलत व उन्ज़िलत इला काफ़तिन नास, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मादरी ज़बान जिसको हम कहें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो प्यारी प्यारी मीठी ज़बान है वो अरबी ज़बान है और इसी ज़बान के अंदर कुरान करीम फुरकान मजीद जो है नाजिल हुआ और इसी के ज़रिए से ही कुरान और हदीस के ज़रिए से तबलीग इस्लाम हुआ और दीन की तालीम को फैलाया गया। तो अरबी ज़बान को सीखने से हमें बुनियादी जो अरबी के मसाइल हैं उनको सीखने में समझने में ये मुआविन साबित हो सकती है, इससे हम मदद लेकर कुरान और हदीस को समझने में अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मकासद में से एक मकसद ये भी हो सकता है कि इसमें एक अच्छी अच्छी नीयतें की जाएं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी मीठी मीठी ज़बान है, हमें इस वजह से सीखना चाहिए। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बु अल-अरब लिथलाथ लिअन्नी अरबियुन वल कुरआनु अरबियुन व लिसानु अहलिल जन्नति अरबियुन और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरब से मोहब्बत करो। अब अरब से मोहब्बत करने की जो बुनियादी वजह बयान की गई है वो अरबी ज़बान को यूँ समझने के रखा गया है कि कुरान करीम अरबी में है, लुगतुल कुरआन जो है हम इसको अरबी को कहते हैं और कुरान अहिब्बुल अरब लिथलाथ लिअन्नी अरबियुन, उससे मैं सबसे जो पहला बुनियादी नुक्ता बयान किया कि मैं अरबी हूँ, वल कुरान अरबियुन और कुरान मजीद अरबी में है, वलिसान अहले जन्नत अरबियुन और जो जन्नतियों की प्यारी प्यारी ज़बान होगी वो भी अरबी ज़बान होगी। इन मानों में अरबी ज़बान को इस वजह से हमें सीखना चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके सीखने से हम इन मकासद पर, इन नीयतों पर भी अमल कर पाएंगे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर भी इन मानों में भी अमल हो जाएगा कि जब हम अरबी सीख लेंगे तो कुरान और हदीस को समझने में, उस पर अमल करने में हमें ये चीज़ें मुआविन साबित होंगी, तो इस वजह से भी हम अरबी ज़बान को सीखते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो गुफ्तगू फरमाई, जो हदीस मुबारक हम तक पहुंचती हैं, कुरान मजीद हम तक पहुंचता है, इसको समझकर दूसरों तक पहुंचाने में हमें यूँ फ़ायदा हासिल होगा कि जैसे अरबी ज़बान में ही हमें सब कुछ दिया गया, अगरचे अब इस वक्त हमारे पास उर्दू में, इंग्लिश में, फ़ारसी में, दीगर ज़बानों के अंदर भी कुरान और हदीस की बातें सिखाई जाती हैं लेकिन चूंकि अगर हम अरबी से नाबलद होंगे तो जो चीज़ हमें पहुँचेगी हम उसमें कुछ सोचो विचार नहीं कर पाएंगे, हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, हमें जो मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये अच्छी चीज़ भी है कि कुरान और हदीस को बगैर किसी तरद्दुद के
ले लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत सेंस और अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए इस बात को समझना भी चाहिए कि कुरान और हदीस के अंदर जो नुकात, जो मदनी फूल दिए गए हैं, उसको अरबी ज़बान में भी हम समझने की कोशिश करें। और जो हमारे सुन्नी सही अकीदा उलमाए कराम बुजुर्गान दीन ने उर्दू तर्जमे किए या इंग्लिश तर्जमे किए या किसी और ज़बान में भी तर्जमे किए, उसको कंपेयर करके अपनी अरबी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आता होगा तो इंशाल्लाह उसको सीखने सिखाने में भी आसानी रहेगी। इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि कुरान और हदीस को अगर हम डायरेक्ट, बाज़ूक़ात फितने फैले हुए होते हैं कि हम कुरान और हदीस को अब डायरेक्ट समझें, तो डायरेक्ट तो समझना इस दौर में यूँ भी मुश्किल हो जाता है कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती, कि हमारे अंदर इतनी ताकत और सलाहियत भी नहीं होती कि हम डायरेक्ट कुरान और हदीस को बगैर किसी की मुआवनत और मदद के सीखें। लेकिन अरबी जबान सीख कर आप कुछ ना कुछ इससे इस्तिफादा कर सकते हैं, मुआवनत हासिल कर सकते हैं, इस्तियानत कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों के लिए इन मानों में भी मुआविन साबित होंगी। और इसमें जो दूसरा फ़ायदा होता है कि जब कुरान अरबी जबान हम सीख लेते हैं, तो जब हम कुरान और हदीस को सुन रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको बग़ैर तर्जमे की, मोहताजी के, हम उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कई चीज़ें हमें सुनी हुई होती हैं उर्दू के अंदर, तो हम उसकी जैसे ही अरबी सुनते हैं तो फिलफोर हमें वो चीज़ें समझ में आ जाना शुरू हो जाती हैं, हमारी विकेबलरी मुफरदात हमारे बढ़ जाते हैं, तो फिर हमें बराह रास्त अरबी सुनकर अच्छे तरीके से समझना शुरू हो जाते हैं। हम इसमें देखें, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं या हदीस मुबारक की किरात करते हैं, बिलखसूस नमाज में जब कुरान करीम की आयत की तिलावत की जाती है, तो उसको समझने में एक ज़्यादा सुरूर मिलता है। बंदा जब कुरान करीम की आयत को समझता नहीं है, बगैर समझने के वो तिलावत को सुन रहा होता है, तो वो इतनी रिक्कत और सोज उस पर तारी नहीं होता। लेकिन जब उसको समझ रहा होता है अच्छे तरीके से, और जब खुशी की बातें होती हैं तो बंदे के अंदर एक खुशी वाली कैफियत पैदा होती है, जब कोई आयत अजाब जो है वो तिलावत की जा रही होती है, तो उस पर बंदे पर रंजीदगी जो है वो तारी हो जाती है। तो इस तरीके से कुरान और हदीस को समझने के लिए, अपनी कैफियत के अंदर बेहतरी लाने के लिए, कुर्बे खुदाबंदी के लिए भी अरबी तकल्लुम का सीखना इन मानों में मुफीद हो सकता है। अब पहला तो सवाल ये हो गया कि लिमादा ना तअल्लम अल्लुगह अलअरबिया। मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर समझते हैं, आप फील्ड के अंदर हैं, ग्राउंड पर हैं, कि आपको अरबी ज़बान की कितनी अहमियत और कितनी ज़रूरत महसूस करते होंगे। दूसरा सवाल हमारा होता है कि हल यमकिनुका अन तअल्लम अल्लुगह अलअरबिया दून बिअतिहा। क्या आपके लिए ये मुमकिन है कि आप बग़ैर माहौल के अरबी सीख लें? हम चूँकि पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर चूँकि एक मादरी ज़बान भी हमारी अरबी नहीं है, हमारी कौमी ज़बान भी अरबी नहीं है, सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर भी अरबी नहीं बोली जाती, थर्ड लैंग्वेज के तौर पर भी अरबी नहीं बोली जाती, तो यूँ जो है वो हमारे पास इन मानों में एक माहौल मैसर नहीं है कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर, एक माहौल के अंदर रह कर हम अरबी ज़बान को सीखें। तो क्या ये मुमकिन है कि इस अंदाज़ के माहौल में रह कर भी हम अरबी सीख सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। आप इस माहौल के अंदर रहकर भी अरबी ज़बान बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान इसी वतन अजीज़ पाकिस्तान में ही सीखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सीखना बहुत ही आसान है, कदर आसान है हमारे तलबा इकराम के लिए, हमारे वो इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें के जो जामियातुल मदीना की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या जो अरबी ग्रामर वगैरह से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखते हैं, जो तलबा से रबते में रहते हैं, तो इनके लिए तो अरबी सीखना बहुत ही आसान है कि इनके पास एक ग्राउंड होता है, इनके पास एक पिच है, मौजूद है वहाँ पर, अच्छे तरीके से वो अरबी बोलचाल कर सकते हैं। अब एक बंदा वो जो मार्केट का बंदा है, जिसके पास करीब करीब तक कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो अरबी जानने वाला हो या अरबी ग्रामर के मुताले कुछ जानता हो, इस हवाले से हमें जो है वो इन मानों में परेशानी होती है कि हम क्या करें। लेकिन जो हमारे तलबा हैं, जो फील्ड के अंदर रहते हैं, उनके लिए ये मामलात देखना बहुत ही आसान होता है बमुकाबिल उसके कि जो मार्केट का बंदा है। तो यूँ हमारे तलबा आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं, हमारे असाज़ा के साथ बात कर सकते हैं, घर में अगर माहौल बनाना चाहें तो घर में भी भाई बहन पढ़ते होते हैं, तो इन मानों में इनके लिए अरबी सीखना बहुत ही आसान होता है कि इनके पास एक ग्राउंड है, बोलने का एक मौका है, एक पिच मौजूद है उनके पास। तो अब हम बगैर माहौल के कैसे सीख सकते हैं? हम में से हर एक का यही उज़्र होता है कि माहौल नहीं, हम कैसे सीखें? बगैर माहौल के सीखना बहुत मुश्किल है। तो इसका एक बेहतरीन हल ये है कि देखें, माहौल बनाने से बनता है। अब ऐसा नहीं है कि माहौल एक कोई बर्तन होगा आपके सामने पेश कर दिया जाए, उस बर्तन को आप इस्तेमाल करें, आपको एक माहौल मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से अरबी सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। माहौल बनाने से बनता है, माहौल क्रिएट करने से क्रिएट होता है। जैसे आप चार दोस्त अगर जहन रखते हैं, आप दो दोस्त जहन रखते हैं कि हमें अरबी सीखनी चाहिए, जब आप लोगों का जहन बन जाएगा तो आप लोगों को अपने ऊपर ये थोड़ा सा लाजिम करना पड़ेगा कि यार हम दोनों का जहन है अरबी सीखने का, तो हम एक दूसरे पर
कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, एक दूसरे के साथ तआवुन करेंगे, एक दूसरे के साथ नरमी में बोलेंगे। अगर आप गलती करेंगे तो ऐसे तरीके से मैं आपकी सलाह कर दूंगा, अगर मैं गलती करूंगा तो आप ऐसे तरीके से मेरी सलाह कर दीजिएगा। तो यूँ जो है वो एक दूसरे के साथ सीखने सिखाने से ही इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अरबी सीख जाएंगे, क्योंकि ये माहौल क्रिएट करना हमारे अपने हाथ में होता है। हम चाहेंगे तो अरबी का माहौल बना लेंगे, और अगर हम नहीं चाहेंगे तो सारी ज़िंदगी अगर आप मदरसे में पढ़ते रहें पढ़ाते रहें फिर भी आपको अरबी नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक आप अपना जहन नहीं बनाएंगे, जब तक आप थोड़ी सी मुशक्क़त नहीं उठाएंगे तब तक नहीं सीख सकते। वैसे भी अरबी के अंदर एक मकूला मुहावरा बोला जाता है, अतहद्दुस याति बितहद्दुस वलाउ बिलख़ता, बोलना बोलने से आता है अगरचे गलतियाँ हों। हम में से हर एक इब्तदाई तौर पर इसी वजह से ही बोलने से कतराता है, बोलने में पीछे रह जाता है कि यार कहीं गलती ही ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि यार मुझे तो आती नहीं है मैं कैसे बोलूँगा, तो भाई नहीं आती इसीलिए तो हम सीख रहे हैं कि हमें आना चाहिए। जब हमें बोलना आती हो तो हम फिर क्यों कोशिश करेंगे, जब हमें नहीं आती तभी तो हमें कोशिश करनी है। जो चीज़ें हमें नहीं आएंगी तो उसी के बारे में ही बंदा जस्तजू करता है, तगोदो करता है, उसको हासिल करने की कोशिशें और काविशें करता है। तो ये तो जहन बना लेना कि मुझे नहीं आती, तो नहीं आती तो फिर हमें सीखनी है, और सीखने के लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अतहद्दुस याति बितहद्दुस वलो बिल खता, गलती का बिल्कुल खौफ ना रखें दिल में, डर लेकर आएंगे तो कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। आप कभी भी किसी नाकाम शख्स के पीछे उनकी वजूहात पर गौर व फिक्र करेंगे ना, तो सबसे शायद बड़ी वजह यही नज़र आए कि वो नाकामी के खौफ से वो काम ही शुरू नहीं करता, या फिर लोगों के लोग क्या कहेंगे, लोगों की वजह से वो अपने मामलात में अच्छे तरीके से डील नहीं कर पा रहा होता, अपने मामलात को अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहा होता, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता इस अंदाज से, इस वजह से प्रॉब्लम रहती है, परेशानी और मुश्किल का सामना रहता है कि हम ये कैसे करें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोशिश करें, बाकी रब ताला अज़्ज़ा वजल की तरफ से इंशाल्लाह मदद शामिल हाल होगी, अल्लाह ने चाहा तो हम जल्दी सीख लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना जहन बना लें कि हमने डरना नहीं है, और डरेंगे तो जाहिर सी बात है दिल के अंदर वो कैफियत पैदा ही नहीं हो सकेगी, वो जस्तजू और वो कुढ़न भी नहीं आ सकेगी। अब इस तरीके से जब हम एक माहौल मुयसर अपने पास क्रिएट कर लेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अच्छे तरीके से बोलचाल में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अब इसके लिए बुनियादी बेसिक और स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है, चलो हमारा जहन भी बन गया कि हम क्यों सीखें, हमने ये भी जहन बना लिया कि चलो हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश भी करते रहेंगे, खुद दोस्तों के साथ एक माहौल भी क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। अब हमारा जो दूसरा सवाल होता है कि हम बोलें कैसे, हमें तो बोलना ही नहीं आता, हम स्टार्ट कहाँ से करें। चलो ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हम कायम रखते हैं, कायम हैं, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं आपको बुनियादी एक नुक्ता देता हूँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए आप जहन में, अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ फिर आप ही से मैं जवाब लेता हूँ, आप मुझे जवाब दें कि आप रोज़मर्रा की रूटीन में वो कौन से ऐसे जुमले हैं कि जो बोलते हैं, वो जुमले सोचें कि जो आप रोज़ाना बिला नागा कई बार जुमले बोलते हैं। जब ये चीज़ें हम सोचेंगे तो हमारे सामने कई एक नतायज होंगे, हमारे व्यूवर्स में से कई एक के जवाबात भी मुख्तलिफ होंगे। कोई बता रहा होगा कि हम एक दूसरे के साथ किसी मौजू पर बात करें, अपना नाम बताएं, उससे पूछें कि आप कहाँ थे, आप क्या करते हो, तो हर किसी की अपनी एक सोच और एक नज़रिया होगा, जिसके नज़र वो सोच रहा होगा कि हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए। आप स्टार्ट करें, देखें ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा खाली नहीं होता, कोई ऐसा दिन खाली नहीं होता कि जिसके अंदर हम लेन देन का सिलसिला ना करते हों। इसमें हम हमेशा रोज़ाना योमिया बेस पर कहीं ना कहीं ये सिलसिला करते हैं कि हम किसी से चीज़ कोई मांगते हैं, किसी को कोई चीज़ देते हैं, इस वजह से हमें बाज़ औक़ात ऐसे मामलात का सामना करना पड़ता है जिस पर हम बाकायदा निश्चित करके बैठते हैं, बातें करते हैं, उस पर मुकालमा करते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो बेहतरीन और योमिया जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं आपकी, वो रोज़मर्रा की रूटीन के जुमले हैं जिसमें आप लेन देन का सिलसिला करते हैं, किसी को चीज़ देते हैं, किसी को कोई काम करने का हुक्म देते हैं, किसी के काम का हुक्म जो है आप मान लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि मुझे कोई चीज़ दो, तो आप कैसे बोलेंगे, आते नहीं मुझे दो। अब आपने कोई भी चीज़ मांगनी है उसके साथ उसका वो मुफरत मिला दें, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे पानी चाहिए, आतनील माँ मुझे पानी दे दो। अब पानी की जगह पर आप खाना लगा दें, खाने की जगह पर आप इमामा शरीफ लगा दें, आप मोबाइल लगा लें, कोई भी चीज़, यानी ये जो विकेबलरी होगी आप उसके साथ मिलाते चले जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ें आपके साथ जुमले बनते जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करें, लेना हो तो आतनील मा, आतनील कूब, आतनील अलबत तबर्रुआत, ये एहतियात बॉक्स को कहते हैं, जैसे मोबाइल है आतनील जव्वाल, आतनील किताब अलकलम,
इस तरीके से जो मुफरदात हैं स्टार्ट आप यहाँ से ले लें और मुफरदात आगे जोड़ते जाएं, तो जो चीज़ आपने तलब करनी है उन चीज़ों को इन मानों में यूँ तलब करते जाएं। और कोई चीज़ देनी हो तो देने के लिए खुज़ दे दें, खुज़ इल्मा, खुज़ इल कास, खुज़ इल किताब, खुज़ इल कलम, इस तरीके से जो मुफरदात हैं वोकैबुलरी आप लगाते चले जाएँ और उसके साथ साथ ये चीज़ें भी आप करते चले जाएँ। तो यूँ जो करते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सारे मामलात भी हल हो जाएंगे और आपके लिए ये विकेबलरी भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। अभी विकेबलरी चूँकि हमें बाज़ औक़ात महफूज नहीं होती, हमारे अजहान के अंदर हमें याद नहीं होती, तो हम विकेबलरी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? बाज़ औक़ात हम जज्बे में, शौक में आकर जो है वो 100, 50, 200, 500 की विकेबलरी याद कर लेते हैं, लेकिन नतीजतन वो 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद वो हम भूल जाते हैं, या तो कम अज़ कम 50% तो भूल ही जाते हैं। इसको इम्प्रूव करने का बेहतरीन तरीका क्या है, विकेबलरी को याद करने का अच्छा तरीका क्या है? इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो चीज़ आपको जब ज़रूरत में आए उस वक्त उसको याद करें। मिसाल के तौर पर अब आप देखते हैं चश्मा पहनने वाला बंदा एक चश्मा पहनता है, आप उसको कहते हैं कि यार मुझे चश्मा दो। अब हमें यह तो पता है कि हमने लेना कैसे, वो फेल भी मुझे आता है लेकिन वो मुफरत मुझे नहीं आ रहा कि जिस जो उसने पहना हुआ चश्मा। अब हम सिंपली, हमने पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा होगा कि चश्मे को अरबी में क्या कहते हैं, लेकिन आज हमारा उससे ताल्लुक़ पड़ा, हमें उसकी ज़रूरत पड़ी है, तो हमने जब उसको तलब करना है तो अब हमें ये क्लिक हुआ, अब हमें ये सोच आई कि यार इसका मुझे मुफरत आना चाहिए। अब ये जो इन द ज़रूरत है, इन द तलब जो विकेबलरी आपको मिलेगी, जो मुफरत आपको मिलेगा, इससे फ़ायदा ये हासिल होगा कि जब ये विकेबलरी आप याद कर लेंगे तो अच्छे तरीके से ही ये आप याद हो जाएगी और कभी भी भूलेगी नहीं, क्योंकि ये ज़रूरत के वक्त आपको मिली है। अगर आप वैसे इसको याद कर लें तो हो सकता है कि आप भूल जाते हैं। तो चश्मे को कहते हैं नज़ारतुन, नून ग़ा अलिफ रा और गोलता, नज़ारतुन। अब नज़ारतुन चश्मे को कहते हैं। अब ये नज़ारतुन आप लोगों ने, मैंने इसका पहले तस्करा किया, आप काफ़ी देर बाद मैंने इसका माना बताया, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये माना भी आप लोगों के जहनों में काफ़ी देर तक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तजस्सुस के बाद, सोचो विचार के बाद, इंतज़ार के बाद, इन तलब आपको मिला है। तो ये विकेबलरी इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप उसको उस वक्त याद कर लें। इससे पहले क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पर एक बैग है, अब बैग को कहते हैं हकीबतुन। अब अगर आपने किसी से कहना है कि मुझे बैग दो, अब आप लोग आतनी बैग, आपने हकीबतुन नहीं कहना क्योंकि आपको आता ही नहीं है, आपने सिंपल ये कहना है आतनी हकीबतुन, आतनी बैग। जब आपने ये एक बार फर्स्ट टाइम आपने ये ले लिया तो आपके जहन में ये चीज़ क्लिक हो जाएगी कि नहीं, ये मैंने अभी बैग बोला है, अब मैंने जाकर इसको सर्च करना है। नेट पर चले जाएं, आपको वहाँ से मिल जाएगा, आपके ऑनलाइन जो डिक्शनरीज़ हैं मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर मिल जाती हैं डिक्शनरी, अलमानी के नाम से है वो, अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, अरबी से इंग्लिश, इंग्लिश से अरबी, इस तरह की तकरीबन 9 से ज़्यादा ज़बानों के अंदर ये डिक्शनरी मिलती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एंड्रॉयड पर इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं अलमानी के नाम से। तो जब आप इसको सर्च करना शुरू कर देंगे तो आपको ये मानी, उस तरीके से फिज़िकली आप डिक्शनरी भी ले सकते हैं कामुसुल फरीद के नाम से या कामुसुल वहीद के नाम से, आप किसी भी मकतबे पर जाकर कह देंगे कि हमें उर्दू से अरबी वाली डिक्शनरी दे दें, तो वहाँ से आप मुफरदात को देखते हुए, जैसे बैग है, आप बा वाले पर्शन में चले गए और वहाँ पर देखा कि बैग, बैग का माना लिखा होगा हकीबतुन, तो आपने इतनी तगोदो के बाद, मेहनत के बाद, सर्च करने के बाद जब उस लफ्ज़ को हासिल कर लिया तो अब आपको ये लफ्ज़ अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। तो पहले आप ये टेंशन नहीं लें कि मुझे लफ्ज़ नहीं आता तो अब मैं क्या बोलूँ, तो इस वजह से बोलना ख़त्म कर दें ये अकलमंदी नहीं है, बल्कि इस वजह से आगे बढ़ने की जस्तजू बढ़नी चाहिए कि मुझे ये लफ्ज़ नहीं आता तो मुझे इसको सीखना है। मिसाल के तौर पर आतनी मोबाइल, मुझे मोबाइल दो। अब मोबाइल को अरबी में क्या कहते हैं, अब हमारे जहन के अंदर ये चीज़ आ गई कि मोबाइल को हमने देखना है कि मोबाइल को अरबी में क्या कहते हैं। जब ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी तो अब हम इसको सर्च भी करेंगे, इसको याद भी करेंगे और अच्छे तरीके से इसको महफूज भी रखेंगे, अभी इस्तेमाल में आ जाएगी, यूँ हमारी जो है विकेबलरी बढ़ती चली जाएगी। अब हम मोबाइल को क्या कहते हैं, मोबाइल को कहते हैं जव्वाल, आतनी जव्वाल। अब हमने ये मोबाइल की भी विकेबलरी सीख ली, अकीबतुन बेग को भी सीख लिया, हमने नज़ारतुन चश्मा भी सीख लिया। अब देखें हमारी बातों बातों में, आज हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन है, हम एक तारुफी वीडियो बना रहे हैं, हम दावत अरबी लैंग्वेज के हवाले से ये सीख रहे हैं कि हम अरबी कैसे सीख सकते हैं, अरबी क्यों सीखना ज़रूरी है, अरबी सीखने में मुआविन चीज़ें क्या होंगी। अब मुआविन चीज़ें
मैंने इसको टॉपिक के तौर पर तो नहीं लिया कि मुआविन चीज़ें क्या है, लेकिन ये मेरी गुफ्तगू जितनी भी हुई है मुआविन चीज़ों के मुताले की है कि मुफरदात को आपने अपने इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करने का तरीका भी बता दिया, बोल चाल करने का तरीका, हमने कहाँ से स्टार्ट लेनी है वो भी आपने कर लिया। अब और भी आगे थोड़ा सा जाएंगे तो हम इस तरीके की तरफ आएंगे कि हम रोज़मर्रा की रूटीन में जो जुमले बोलते हैं उनको उर्दू में लिखना शुरू कर दें। जब हम उनको लिखना शुरू कर देंगे ना तो हमारे सेंस में, हमारे जहन में अब आना शुरू हो जाएगा कि हमें सीखना क्या है, क्योंकि हमें बाज़ुकात यही आइडिया नहीं हो रहा था कि मुझे मुझे हाजत किस चीज़ की है, मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है। क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाला, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आपको क्या ज़रूरत है। इनफरादी तौर पर फर्दर फर्दर मैं किसी एक एक बंदे के बारे में ये नहीं कह सकता कि आपको ये ज़रूरत है आप ये सीख लो, आपको ये ज़रूरत है आप ये सीख लो, नहीं। हर बंदा अपने बारे में खुद जानता है कि मेरी फील्ड क्या है, मेरी सिचुएशन क्या है, मेरे अंदर अरबी लैंग्वेज के मुताबिक कितनी मालूमात है। तो अपने हिसाब से ही बंदा, हर किसी का लेवल अपना होता है। अब अगर मैं यहाँ से सबको एक ही लेवल की गुफ्तगू बताऊँ तो हो सकता है कि कई बोर होकर चले जाएंगे। कई कहते हैं यार ये तो मुझे आता है, कहते हैं यार ये तो बच्चों वाली बात है, और कोई कहेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल बातें बता रहे हैं, वो बोलेगा यार ये तो बहुत मुश्किल जुमले हैं, ये तो हम बोल ही नहीं सकते। तो ये चूंकि हम एक ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं तो ये सिंपली सबके लिए एक ट्रायल बेस पर है, टेस्ट टेस्ट बेस पर है, और आपको जोक बढ़ाने के लिए, आपकी दिलचस्पी और शौक बढ़ाने के लिए है, ताकि आप अरबी लैंग्वेज की तरफ आएं। तो हर किसी का एक अपना मयार है, हर किसी का एक अपना लेवल है, हर बंदा अपने लेवल के मुताबिक अरबी ज़बान ज़रूर सीखे। जितना आप यहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं यहाँ से इस्तेफादा करें। इसके बाद भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना के निसाब के अंदर भी अरबी लैंग्वेज का निसाब शामिल है, उसको भी आप वहाँ पर अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अल अरबियतुल तालिबीन, अल मुस्तवल अव्वल, मुस्तवा थानी, उला सानिया के अंदर पढ़ाई जाती है। इन किताबों का इनफरादी तौर पर भी मुताला करके आप अच्छे तरीके से अरबी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इन्हीं किताबों से और इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ किताबों से हम कुछ चंद एक चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो चीज़ें जैसे अल अरबियतुल तालिबीन, ये पहली और दूसरी जिल्द है, अभी बिल्कुल बेसिक और बुनियाद पर है। हम इससे भी कुछ सीखेंगे तो इंशाल्लाह जो बिल्कुल बेसिक से नाबलद हैं, जो बेसिक से बिल्कुल ना वाकिफ है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह मुफीद साबित होंगी। तो अल्लाह ने चाहा तो यूं जो है हमारे लिए अरबी ज़बान सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा, और हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हम अरबी ज़बान क्यों सीखें, कैसे सीखें, और क्या अरबी ज़बान सीखना आसान है या मुश्किल है। तो वो मैंने बता दिया कि इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है। असल चीज़ ये है कि आप अपना जहन बना लें कि मुझे आता है, आप जहन बना लें कि मुझे सॉरी मैं कर सकता हूँ। आप जब जहन बना लेंगे ना कि ये काम मैं अपने टास्क पर ले लूँ, अपने हदफ पर ले लूँ, तो मैं कर सकता हूँ। तो जब बंदा एक बात ठान ले कि मैं कर सकता हूँ तो उससे बढ़कर कोई भी बंदा नहीं होता। यही कामयाब शख्स की निशानी होती है कि जब वो काम करने पर आए, अपना जहन बना ले, तो अल्लाह उसके साथ होता है, अल्लाह तबारक व ताला की मदद उसके शामिल हाल होती है। तो यूँ जो है वो बंदा अपने मकासद के अंदर कामयाब हो जाता है। तो आज हम थोड़ा सा सबक भी शुरू कर लेते हैं मज़ीद इंशाल्लाह बाकायदगी से। आज भी हम सबक पढ़ेंगे, कल से इंशाल्लाह बाकायदगी से मज़ीद इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो आज का हमारा जो लेसन होगा उसके अंदर आज हम सीखेंगे तारुफ़ के बारे में। जो एक बंदा, एक चूँकि जब कोई शख्स किसी से मिलता है तो पहले इंट्रोडक्शन होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आप उससे किसी से पूछते हैं मस्मु का आपका नाम क्या है। अब इसको बोलने के लहजात में बहुत सारे तरीके होते हैं, मस्मु का भी कह सकते हैं, मसमुख भी कह सकते हैं। अब सामने लड़की है तो बोलेंगे मस्मु की, लड़का है तो मस्मू का, और सिंपली थोड़ा सा और हुसन लगा, हुसन उसको अच्छा करके यूं बोल सकते हैं मस्मू कल करीम, आपका प्यारा नाम क्या है, जैसे इंग्लिश में योर स्वीट नेम कहते हैं। तो स्वीट नेम यानी आपका प्यारा नाम। इस तरीके से अरबी के अंदर भी अरब लोग कोशिश करते हैं कि सिफात का ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें। मस्मू कल करीम, आपका प्यारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो वो सामने वाला देता है जवाब अना अहमद या इस्मी अहमद, माक अहमद। तो यूँ जो है वो जवाब देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सिंपली हम अगर सवाल के मुताबिक जवाब याद कर लें, मस्मू कल करीम इस्मी अहमद रिदो, मेरा नाम अहमद रजा है। तो यूँ जो है वो आप किसी से नाम पूछते हैं, या इंट्रोडक्शन अगर कोई आपसे कहता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, आप अपना तारुफ बता दें, तो आप अपना तारुफ कैसे करवा सकते हैं। इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, इनफॉर्मल भी होता है, फॉर्मल भी होता है। तो हम सिंपली अब ये सीखेंगे कि हम किसी से अगर अपने बारे में किसी से कोई बात करते हैं तो आप कैसे बोलेंगे। सिंपली हम बताएंगे इस्मी अहमद रिदा अना मिन पाकिस्तान। अगर आप वो भी बंदा पाकिस्तान का है, आप भी पाकिस्तान के हैं, तो सिंपली आप उसे अपने शहर का नाम बता देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इस्मी अहमद रिदा अना मिन फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद से हूँ। अब अगर वो बंदा भी फैसलाबाद का है, आप भी फैसलाबाद के हो, तो फिर आपने क्या बताना है, क्योंकि उसको भी बताएगा आप फैसलाबाद के हो।
तो अब आपने ये नहीं बोलना कि मैं फैसल अब्बास हूँ, अब आपने अपने इलाके का नाम बताना है। जैसे मिसाल के तौर पर आना इसमें अहमद रिदा, आना मिन मदीना टाउन। अच्छा, कोशिश करनी है कि जो हमारे उर्दू के अंदर नाम बोले जाते हैं हम उनको तब्दील ना करें, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो हम अपनी सिचुएशन के मुताबिक ही उसको लेकर आएंगे, उसको तब्दील करने की हाजत नहीं है। हम सिंपल बोल दें आना मैं मदीना टाउन, तो मैं मदीना टाउन से हूँ। तो अब यहाँ पर टे को ता लगाने की, मदीना टाउन करने की भी ज़रूरत नहीं, अगर कर भी देते तो उसको गलत कोई भी नहीं कहता। लेकिन ज़्यादा मुशक्क़त फ़िलहाल आप ना उठाएं, आप एक बार रवानगी की तरफ आ जाएं, एक बार बोलने की तरफ आ जाएं, तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बोलना सीख जाएंगे, अच्छे बोलने की तरफ आ जाएंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से फिर आप इसकी तब्दीली वगैरह करके अल्फाज को अरबी अल्फ़ाबेट की तरफ कन्वर्ट करके आप बोल लेंगे। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे इस्मी अहमद रिदा आना मिन पाकिस्तान व अतकल्लम उर्दिया। अब चूंकि ये जो समझ लें कि इंटरनेशनली लेवल पर हम गुफ्तगू करेंगे, अब किसी बाहर वाले बंदे से बात करेंगे, तो आप उसको सिंपल ये कहेंगे अना मिन पाकिस्तान व अतकल्लम उर्दिया। अब अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो अब ये जुमला यहाँ बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप उसको अगर वो आपसे पूछता है माहिया लुगतुकल यानी आपकी मादरी जबान क्या है, माहिया लुगतुकल आपकी मादरी जबान क्या है, तो फिर आप यहाँ पर बोलेंगे अतकल्लमुल उर्दिया, सिंधी या पंजाबी या तो इस तरीके से आप उसको बोलेंगे, या फिर बोलेंगे लुगतुल उम्मियाना या लुगतु उम्मी सिंधिया अल उर्दिया अल पंजाबिया वल, इस तरीके से जो भी आपकी जबान होगी आप उस अंदाज से उसको बयान कर सकते हैं। लेकिन अतकल्लम उर्दिया ये जुमला जो है हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम पाकिस्तान से बाहर हों, किसी को अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हों, तो उस वक्त हम बोलेंगे इस तरीके से। हाँ, अगर यही चीज़ आप पाकिस्तान के अंदर भी बोल सकते हैं और बाहर भी बोल सकते हैं, जो आने वाला जुमला आ रहा है वो अतकल्लमुल अरबिया अईदन। अब आप अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, किसी को अपने लैंग्वेजेस के बारे में बता रहे हैं, मैं वैसे उर्दू बोलता हूँ लेकिन मुझे अरबी भी आती है, वह अतकल्लमुल अरबिया था अईदन। अब आप अपनी उसकी मसरूफियात बयान करेंगे कि आप क्या करते हैं, जैसे अतअल्लमुल अरबिया मैं अरबी ज़बान सीखता हूँ, अतअल्लमुल शरईया मैं दरस निज़ामी पढ़ता हूँ। उलूम शरईया से मुराद ये है कि दरस निज़ामी, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान पाक व हिंद के अंदर दरस निज़ामी का ही नाम दिया जाता है, इस एक सिलेबस को एक कोर्स को दरस निज़ामी कहा जाता है। तो आप दरस निज़ामी नहीं बोलेंगे, सिंपली आप ये कहेंगे अतअल्लमुल शरईया मैं उलूम शरईया पढ़ता हूँ यानी दरस निज़ामी करता हूँ। अगर आप दरस निज़ामी नहीं करते, जैसे मिसाल के तौर पर आप इंजीनियर हैं, तो आप सिंपल उसको बोलेंगे अना मुहंदिसुन, आप डॉक्टर हैं अना तबीबुन, आप पीएचडी डॉक्टर हैं अना दुक्तूरुन। इसी तरीके से पेशों के नाम आ जाएंगे, आप अपनी सिफात बयान करते चले जाएंगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो यूँ जो है वो आप अपने तारुफ के अंदर इस चीज़ का भी इजाफा कर सकते हैं, वादरुसू फिल जामिया भी कह सकते हैं कि मैं जामिया में पढ़ता हूँ, मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, वादरुसू फिल मदरसती या अदरुसु फिल कुलियती। इस तरीके से आप सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में अपनी एजुकेशनल या अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आता है उम्र का, कि आपकी उम्र कितनी है, कि अगर किसी को आप बताना चाहते हैं तो आप सिंपल ये कहेंगे उमरी इशरून सनतन, उमरी खमसा आशरता सनतन। जो भी आपकी उम्र होगी तो आप उसको उमरी ये लगाकर आप अपने आगे काउंटिंग बयान कर देंगे, जैसे खमसा आशरता सनतन 15 साल है, उमरी इशरून सनतन मेरी उम्र 20 साल है, 12 साल है, उमरी इतना आशरता सनतन। इस तरीके से 25 साल है, उमरी खमसू इशरून सनतन 22 साल है, उमरी इतना नुआ इशरून सनतन। तो यूं जो है वो आप अपनी उम्र को भी बयान कर सकते हैं कि आप अपनी उम्र किस अंदाज से बयान कर सकते हैं। तो ये उम्र बयान करने के बाद आप अपना स्टेटस भी बता सकते हैं कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स शादीशुदा है और बताना चाहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, तो बोलेगा आना मुतज़व्विजुन, आना मुतज़व्विजुन। और अगर गैर शादीशुदा है तो बोलेगा आना गैर मुतज़व्विजिन, गैर मुतज़व्विजिन गैर शादीशुदा को कहते हैं। और अगर इसी को हम दूसरे लफ्ज़ में, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, मैं गैर शादीशुदा हूँ, और दूसरा लफ्ज़ बोलते हैं कंवारा हूँ, तो कंवारे के लिए आता है आज़िब, आइन अलिफ ज़ाबा, आना आज़िबुन मैं कंवारा हूँ। तो यूं जो है वो आप अपना ये स्टेटस भी बयान कर सकते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ या गैर शादीशुदा हूँ। उसके बाद आप अपनी मसरूफियात में से, जैसे पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, या प्रोफेशन बयान करना चाहें तो वो भी बयान करते हैं। उसके बाद आप अपने वालिद साहब के प्रोफेशन के बारे में बताना चाहें तो उसका तरीक़ा ये होता है कि अभी व अभी मुवज़्ज़फ़ुन, अब मेरा अबू जो है वो एम्प्लॉय है, अजीर है, मुलाजिम है। या अगर आप अपने अबू के बारे में कुछ और बताना चाहें, जैसे वो कारपेंटर हैं, जैसे नज्जार उन, या लोहार हैं, हद्दाद उन, इंजीनियर हैं, मुहंदिस उन, डॉक्टर हैं, तबीब उन, इस तरीके से टीचर हैं, मुदर्रिस उन, तो आप उनके बारे में इस अंदाज से बयान करेंगे।
इसके साथ साथ आप अपनी अम्मी के बारे में भी जिक्र करना चाहें, जैसे बाज़ुकात अक्सर तौर पर जो औरतें होती हैं वो घर के कामकाज में ही अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ रहती हैं, जिसको हम इंग्लिश में हाउस वाइफ कहते हैं। तो अरबी ज़बान के अंदर ये रब्बतु मंजिलिन के इस्तेमाल किया जाता है, उम्मी रब्बतु मंजिलिन, या उम्मी मुदरिसतुन, उम्मी मुअल्लिमतुन, उम्मी मुहंदिसतुन। अब जो भी प्रोफेशन जो हमने पहले जिक्र किए अब्बू के लिए, वही अम्मी के लिए जिक्र करके आखिर में गोलता लगा देंगे मुअन्नस की अलामत के तौर पर। तो यूँ जो है वो एक सरसरी इंट्रोडक्शन होता है। उसके साथ अगर आप ज़्यादा इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, यानी प्रोफेशनली तौर पर अगर आप कहीं इंटरव्यूज़ के अंदर जाकर किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन बयान करते हैं तो उनके अंदर ये चीज़ें बयान नहीं होती, लेकिन ये चूंकि इजाफा करके ये चीज़ें इसलिए बयान की जाती हैं, ये की जा रही हैं ताकि आपको अरबी ज़बान सीखना आ जाए। हम यहाँ पर अरबी ज़बान सीखने के कसद से इतनी चीज़ों का तذکرہ कर रहे हैं, बिला वजह यूँ समझ लें इजाफा कर रहे हैं। ये नॉर्मली इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन हम जानबूझ के ज्यादती इसलिए कर रहे हैं ताकि चूंकि हम सीख रहे हैं ना, हम लर्निंग कर रहे हैं, तो लर्निंग के लिए जितना ज़्यादा हम एग्जांपल देंगे, जितनी ज़्यादा मिसालें देंगे, उतना ज़्यादा हमें सीखना आसान होगा, उतना ज़्यादा हमें बोलने की प्रैक्टिस मिलेगी, उतना ज़्यादा हमारे पास मवाद आएगा। तो हमने जो सीखा उम्मी मुदर्रिसतुन, उम्मी रब्बतु मंजिलिन। अभी अपने भाई के बारे में बताएं कि आपके एक भाई हैं, दो भाई हैं, तीन हैं, बहनों के बारे में बताना है, फिर उनकी उम्र बतानी है, उनके प्रोफेशंस के बारे में बताना है, वो क्या करते हैं। तो यूँ जो है वो सारी चीज़ें इसके साथ साथ आ सकती हैं। जैसे हमने कहा था अभी मुवज़्ज़फ़ुन, अब अभी की जगह पर आप अखी लगा दें, अखी मुवज़्ज़फ़ुन, अखी मुहंदिसुन। इस तरीके से उख्ती के साथ लगा सकते हैं, उख्ती मुहंदिसतुन, उख्ती तबीबतुन। तो ये आगे आप बयान करते जा सकते हैं, अभी मुवज़्ज़फ़ुन फ़िल मदरसा, उम्मी मुदर्रिसतुन, और मेरे भाई हैं। कितने भाई हैं? अब अगर एक भाई है तो बोलेंगे ली अखुन, वाहिदुन लगाने की हाजत नहीं है, क्योंकि अखुन का माना ही एक भाई होता है। और अगर आपके तीन भाई हैं, चार भाई हैं, पांच भाई हैं, तो उसके हिसाब से बोलते जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पांच भाई हैं, ली खमसतु इखवतिन, ली खमसतु इखवतिन। और अगर आपकी पांच बहनें हैं तो बोलेंगे ली खमसु अखवातिन, ली खमसु अखवातिन। ये पांच बहनें हैं। अब इनमें से हर एक का उम्र बतानी है, हर एक का प्रोफेशन बताना है, तो उसके साथ साथ हम बोलते जाएंगे। जैसे ली अखुन वह हुआ मुहंदिसुन, या सिंपल बोलेंगे अखी मुहंदिसुन, या ये कहेंगे कि उख्ती मुहंदिसतुन, वउमरुहु, यानी भाई के बोलेंगे अखी मुअल्लिमुन, उम्रुहु 20 सनतन, मेरा भाई टीचर है और उसकी उम्र 20 साल है। उख्ती मुहंदिसतुन वउमरुहा 15 सनतन, मेरी बहन इंजीनियर है और उसकी उम्र 15 साल है। तो यूँ जो है वो आप इस तरीके से तारुफ के अंदर सीखने के लिए इन मानों में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको उम्र बताने का तरीका आ जाए, किसी का अपना भाई का, बहन का, अब्बू का, अम्मी का प्रोफेशन बताना हो, काम बताना हो, एजुकेशन बतानी हो, तो उसमें इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बहन आपसे बड़ी है, आपसे छोटी है, तो उसका भी तरीक़ेकार है, वो मुफसल हम इंशाल्लाह आगे सीखते चले जाएंगे। उसके साथ आप अपनी एक्टिविटीज़, आपकी जो मसरूफियात हैं या जो आप चीज़ लाइक करते हैं, जैसे उहिब्बुल क़िराअत वर रियाज़त वन नुज़ुहात वल मुतालअतुल कुतुब वल क़िराअतुल क़ुरआन व तिलावतुल क़ुरआन, इस तरीके से इन चीज़ों का भी जिक्र कर सकते हैं। यानी आपकी जो हॉबीज़ हैं उन हॉबीज़ को भी आप आखिर में जिक्र कर सकते हैं। इससे भी ये फ़ायदा होगा कि आपकी विकेबलरी इम्प्रूव होगी। उहिब्बु यानी मैं पसंद करता हूँ, अलकिराअत मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, वर्रियादत मैं वर्जिश करना पसंद करता हूँ, वन्नुज़ुहात मैं सैर व तफरीह को पसंद करता हूँ। तो यूँ जो है वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए से आप अच्छे तरीके से अपने बोलचाल के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग इंशाल्लाह इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आप अच्छे तरीके से अरबी बोलचाल के अंदर इस कदर तो माहिर हो जाएंगे कि जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उनको आप अच्छे तरीके से पिक भी कर लेंगे और अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो आज हमने अपना अपने घर वालों का, बहन भाइयों का हमने तारुफ सीखा। कल इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्त के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके बारे में हम किस अंदाज़ से उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसकी सिफात के बारे में, उनके काम, प्रोफेशन, एजुकेशन के बारे में, उनके फैमिलीज़ के बारे में, इस तरीके से जो उनके मुतालिकात हैं, या बग़ैर पूछे या बग़ैर किसी का वैसे ही गायबाना तारुफ जैसे हम करवाते हैं कि यार वो फलां जो बंदा है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा इस्लामी भाई है, वो माशाल्लाह नमाज़ें बड़ी पाबंदी से पढ़ता है, वो मदरसे बड़ा पाबंदी से जाता है, उसका काम बड़ा अच्छा है,
या वो मिसाल उसकी दुकान है, उसकी दुकान में जब भी जाते हैं तो काम बहुत अच्छा, यानी गायबाना तारुफ हम किसी का करवाते हैं तो वो कैसे करवाएंगे, वो इंशाल्लाह हम कल के सबक में करेंगे। चूँकि आज हमारा इब्तदाई दिन था, हम इसको ज़्यादा बर्डन वाला नहीं करेंगे, ज़्यादा इसको ऐसा ना बनाएं कि हजम हजम ही ना कर सकें। तो आज इब्तदाई दिन था, थोड़ा सा हमने पढ़ा है, थोड़ा सा सीखा है, बस कोशिश करें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से सीख भी सकेंगे, और किसी को सिखाना चाहेंगे तो उनको सिखा भी सकेंगे। तो आज के इस कोर्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो आज हमने सीखा है इसको मैं इस वीडियो के साथ लिंक करके कहीं ना कहीं इसको तहरीर भी कर दूंगा, तक आप वीडियो देखें तो आज के सबक का जो हमने लेसन सीखा है तारुफ का, इंशाल्लाह ये वो भी आपको मिल जाएगा। तो उसके अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसको अच्छे तरीके से याद कर लें। जो चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, विकेबलरी जो मैंने बताई हैं, विकेबलरी को याद करें। और इंट्रोडक्शन अब ना चाहते हुए भी, ना बिला वजह जिसको हम कहते हैं, अपने भाई के साथ अपनी बहन के साथ अरबी में इंट्रोडक्शन करवाएं अपना, उनको बताएं कि अरबी में अगर आपने किसी से नाम पूछना है तो ऐसे पूछेंगे, अब्बू का नाम पूछना हो तो ऐसे पूछेंगे, अम्मी का नाम पूछना हो तो ऐसे पूछेंगे, मस्मू अबी का, मस्मू अम्मी का, मस्मू अखी का, मस्मू अख्ती का, ये नाम पूछने के तरीके हो जाएंगे, अब्बू अम्मी भाई बहन आपका नाम वगैरह। तो यूँ जो है वो आप भाई से, बहन से, अम्मी से, अब्बू से, दोस्तों से ये बात करें, डिस्कशन करें उनके साथ। जब आप उनके साथ ये करते जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से सीख भी जाएंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि जो आज हमने सीखा, अल्लाह करीम हमारे लिए इसको सीखना आसान फरमाए, आगे भी इस्तिकामत के साथ सीखते रहने की तौफीक अता फरमाए। जजाकल्लाहु खैरा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।